तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, तो नागरिकता संशोधन कानून लागू करना मोदी सरकार को पड़ा भारी। असम के हिंदुओं ने किया विरोध, कहा किसी भी कीमत पर इसे नहीं होने देंगे असम में लागू। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया। इस कानून के लागू होने के बाद देश भर के मुसलमानों ने इसका विरोध किया, लेकिन अब बीजेपी के लिए बुरी खबर असम से आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि असम में मुसलमानों की जगह हिंदुओं ने CAA कानून का विरोध किया है और मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि मोदी सरकार ने CAA कानून को वापस नहीं लिया तो वो असम में धरना प्रदर्शन करेंगे और किसी भी कीमत पर इसको लागू नहीं होने देंगे। वहीं आपको बता दें कि CAA कानून का विरोध करने वाले असम के हिंदुओं का कहना है कि ये 1995 के असम समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन करता है जो केंद्र सरकार और असू के बीच हुआ था, जिसने बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों के खिलाफ 6 साल तक आंदोलन का नेतृत्व किया है। यानी मोदी सरकार इस कानून को लाकर फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को लगा झटका। मालदीप ने भारतीय सैनिकों को देश से निकाला, 25 भारतीय सैनिक पहुंचे भारत। जब दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव से पहले मालदीप से बड़ा झटका लगा है। मालदीप से भारतीय सैनिकों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मालदीप के राष्ट्रपति मुइजू के बयान के कुछ हफ्ते बाद भारत ने ये कदम उठाया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 25 भारतीय सैनिक मालदीप को छोड़कर रविवार को भारत आ गए हैं और जितने अधिकारी वहां पर रह गए हैं वो भी 10 दिन के भीतर भीतर भारत आ जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि मालदीप के राष्ट्रपति मुइजू बने थे, जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ऐलान किया था कि वो किसी भी कीमत पर अपने देश में भारतीय सेना को नहीं रहने देंगे और भारतीय सेना को यहाँ से निकालेंगे, और ये काम अब उन्होंने शुरू कर दिया है जो भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो CAA के लागू होने पर पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने बांटे लड्डू, तो उद्धव ठाकरे की सांसद ने उड़ाया मजाक, कहा किस बात का जश्न मना रही है सीमा हैदर। दोस्तों आपको बता दें कि 4 साल के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने 11 मार्च की शाम को नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश में लागू कर दिया और इसका ऐलान मोदी सरकार ने किया। जैसे ही इस बात की जानकारी पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को चली तो पाकिस्तान से भारत अवैध रूप से आई सीमा हैदर इसके समर्थन में खुशी जता रही और उसने लड्डू बंटवाए। हालांकि विपक्ष ने दोनों का जमकर मजाक उड़ाया। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि सीमा हैदर वास्तव में किस बात का जश्न मना रही थी, जबकि वह पाकिस्तान से प्रताड़ित अल्पसंख्यक नहीं है और उसे किसी भी कीमत पर इस कानून के तहत भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी क्योंकि वो अवैध रूप से भारत आई है और वो मुसलमान है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीमा हैदर का जमकर उन्होंने मजाक उड़ाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रमजान से पहले सऊदी अरब में 23,000 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि रमजान से पहले सऊदी अरब में अवैध रूप से रह रहे लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। 23,000 से अधिक लोगों को सऊदी अरब की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देश के आंतरिक मंत्रालय ने बताया है कि 59,721 लोग सऊदी अरब में घुसपैठ करके निवास कर रहे हैं। इनमें से 23,040 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान में 4,690 महिलाओं को भी पकड़ा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 29 फरवरी से 6 मार्च के बीच अवैध रूप से देश में रह रहे लोगों की गिरफ्तारियां की गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में कोर्ट का आया फैसला। जदोस आपको दादे की मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में सजा सुना दी है। कोर्ट ने मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने बीते मंगलवार को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज फैसला सुनाया गया है। 36 साल पुराने मामले में वाराणसी की अदालत ने ये फैसला सुनाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुस्लिम संगठन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार को लगेगा झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को देश में लागू करने से रोक की मांग को लेकर मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में IUMLA ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 मनमाने और केवल धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष में अनुचित लाभ पैदा करने, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है,
वहीं आपको बता दें कि अब मांग की गई है कि मोदी सरकार ने जो नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश में लागू किया है वो लागू नहीं हो और सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाता है या फिर नहीं। आपकी क्या राय दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को इस कानून पर रोक लगानी चाहिए नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पीला गमछा लेकर थाने पहुंचे ओपी राजभर की पार्टी के नेता को पुलिस ने पीटा, गमछा और मोबाइल छीना। जय दोस्तों आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता पीला गमछा लेकर थाने पहुंच गया। थाने में पुलिसकर्मी द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने उसका गमछा और मोबाइल भी छीन लिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अन्य नेता थाने पहुंच गए। थाने पहुंचने के बाद नेताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस मामले में सपा के एक नेता का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। योगी कैबिनेट में शामिल होने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर द्वारा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बयान दिया गया था। बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता गमछा लेकर थाने पहुंचेंगे। थाने में तैनात दरोगा को पार्टी के कार्यकर्ता की शक्ल में ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे। ओपी राजभर का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था और इसी बयान को सुनकर उनका एक कार्यकर्ता फरुखाबाद जनपद के नवाबगंज पुलिस थाने पहुंच गया था, लेकिन यहां पर उसकी ठुकाई कर दी गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि घोर बेइज्जती ओपी राजभर की गई है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो CAA को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर भड़के सपा सांसद ST हसन, कहा मुसलमानों को अलग किया गया। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी, जिसके बाद सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दल इसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच यूपी की मुरादाबाद सीट से सपा सांसद ST हसन ने भी BJP पर हमला बोला है। सपा सांसद ने कहा कि CAA एक ऐसा कानून है जिसमें धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। ST हसन ने आगे कहा कि इस कानून में मुसलमानों को अलग कर दिया गया है, हमें कानून को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ धर्म के नाम पर हो रहा है। सपा सांसद ने आगे कहा कि आपको मालूम है कि सरकार किस राह पर चल रही है, ये एक ऐसा कानून है जिसमें मुसलमानों के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। सरकार ने इसे लागू करने का फैसला भी जल्दबाजी में लिया है। अगर कानून बनाना ही है तो सभी नागरिकों के लिए एक जैसा होना चाहिए, ना कि मुस्लिम हिंदू सिखों के लिए अलग अलग। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो CAA लागू होते ही पाकिस्तान से आए 70 लोग को मिलेगी भारत की नागरिकता। या दोस्तों आपको बता दें कि देश में केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। CAA कानून के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद लोगों की इस पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसकी खुशियां भी मना रहे हैं। इसी क्रम में उदयपुर में बीती रात पाकिस्तान से आए सिंधी समाज के लोगों ने अपने पंचायत भवन के सामने आतिशबाजी कर CAA कानून लागू होने पर खुशी जताई। जयपुर में अब भी ऐसे कई परिवार हैं जो पाकिस्तान सहित अन्य देशों से यहाँ आकर बसे हैं। हालांकि सालों बीत जाने के बाद भी उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली है और वो नागरिकता के इंतजार में है। अब उनका ये कहना है कि CAA कानून लागू हो गया है जिसके तहत उनको नागरिकता मिल जाएगी। वहीं आपको बता दें कि सिंधी पंचायत के अध्यक्ष हरीश राजित ने बताया है कि हम लगभग 70 लोग हैं, यानी 70 परिवार हैं, और 70 परिवारों को अब CAA कानून के तहत नागरिकता मिल सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले BJP को लगा झटका, BJP सांसद को टिकट ना मिलने पर BJP से दिया इस्तीफा, कांग्रेस में हुए शामिल। जदूसा आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में BJP को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान के चूरू से सांसद राहुल कासवा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राहुल कासवा ने प्रधानमंत्री मोदी, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का आभार जताया है। हालांकि BJP से इस्तीफा देने के बाद वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि BJP ने राहुल का टिकट काट दिया था, इसी बात से वो नाराज थे और उन्होंने ऐन वक्त पर BJP को धोखा देते हुए जो है चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको सस्ता कांग्रेस पार्टी की दिलाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो CAA को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर भड़के सपा सांसद ST हसन, कहा मुसलमानों को अलग किया गया। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी, जिसके बाद सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दल इसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच यूपी की मुरादाबाद सीट से सपा सांसद ST हसन ने भी BJP पर हमला बोला है। सपा सांसद ने कहा कि CAA एक ऐसा कानून है जिसमें धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। ST
हसन ने आगे कहा कि इस कानून में मुसलमानों को अलग कर दिया गया है, हमें कानून को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ धर्म के नाम पर हो रहा है। सपा सांसद ने आगे कहा कि आपको मालूम है कि सरकार किस राह पर चल रही है, ये एक ऐसा कानून है जिसमें मुसलमानों के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, सरकार ने इसे लागू करने का फैसला भी जल्दबाजी में लिया है। अगर कानून बनाना ही है तो सभी नागरिकों के लिए एक जैसा होना चाहिए, ना कि मुस्लिम हिंदू सिखों के लिए अलग अलग। पर लगाम लगाने के लिए एक्शन में आया चुनाव आयोग, गूगल से मिलाया हाथ।